आ जाए। बहाज का फोन है तुम्हारे। जी। हेलो। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। तीसरा मिनट शुरू हुआ तो तुम्हारी जिंदगी अजाब हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों से कही थी उन्हें से वापस मिल जाओ, वरना सारी जिंदगी रोने के लिए तैयार हो जाओ सलवा। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, याद रखना। रुको, कहाँ जा रही हो? हाय घर। इतनी लेट? तुम रुको, मैं बाहर से बात कर। नहीं भाई प्लीज, आप कुछ मत कहे, बस मुझे जाना है। वापस राबता क्या हमारा उलझनों की वजह से टूट जाने को है। इश्क था, इश्क था रूबरू। अरे यार मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम आज नोट्स नहीं बना के दोगे। मैं कल बना दूंगी और शाम तक दे दूंगी। यार कल पे नहीं छोड़ सकते, तुम आज से ही बुक लो वो। ओह अलमीर, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं रहने दो, मैं कर लूंगी। खैरियत? अरे सुनो तो, हुआ क्या है? अलमीर यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है सलवा के साथ, तुम सॉल्व कर सकते हो? तो अलमीर किस दिन काम आएगा? जो ना बात करने दो यार। अमीर इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, कैन यू प्लीज टेक हर टू द लाइब्रेरी। इसका ना कार्ड घर भूल आई है और मेरे कार्ड पे ऑलरेडी बुक्स इशू है, तो प्लीज तुम इसकी हेल्प कर दो ना। नो प्रॉब्लम। मैं कर लेती ना यार, नोट्स तो मेरे बनेंगे ना, प्लीज कर दो हेल्प। मेरी बहुत बेइज्जती होगी अगर नोट्स टाइम पे नहीं दिए तो। यार मेरी क्लास है, मुझे जाना है यार। अमीर मेरे दोस्त को तंग नहीं करना, ओके? नहीं नहीं इनको और बस देख लेना, कुछ भी तंग करूं कैसे पॉसिबल। चले मैं सोच रहा था कि कभी अयान को अगर हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही, सुनो बात करो। ऐसे मुलाकात के लिए अच्छा बहाना है, मुझसे मिलने का दिल चाह रहा था। अच्छा सुनो मजाक करो, लिसन टू मी। इश्क था, इश्क था रूबरू, इश्क था बेवजह। वेरी गुड। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? जरूरत कैसे हुई कि मेरी इजाजत के बगैर तुमने अपने कदम इस घर से बाहर निकाले? मुझे अम्मी ने कहा था, उन्होंने इजाजत दी थी। आज के तक
5 के बाद अगर मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझी? क्या नाम है तुम्हारे आशिक का? क्या नाम है उसका? बोलो जवाब दो, क्या नाम है उसका? अलमीर ना? यहां से उसी के लिए बहा रही हो ना? मार दूंगा जान से। कितनी बार समझाऊं कि मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना है। समझ में आ रही है ना? अब तो ऐसे नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? रुसवाई जो मैसर हुई इतनी हुई बेशतर हुई तू ऐ जिंदगी यूं बसर हुई सलवा, सलवा बेटा यहाँ आओ। बेटा तुम भी बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। तुम क्यों लेकर आए? और आपने मेरी इजाजत के बगैर इसे क्यों भेजा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। और मैं इसका शौहर हूँ, इसको कहीं भी जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है। सुन लिया तुमने? आज के बाद अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं भी गई ना तो क्या हो गया? ऐसे ये इतना बदलेहास तो कभी भी नहीं था। और ये अयान, ये क्यों इतना बदल गई है? ये दोनों बच्चे मिलके तो मुझे पागल कर देंगे। सुनो, तुमने अलमीर को देखा है? यार पता नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या देख रहे हो? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें सलवा के बारे में सब कुछ पता है और तुम उससे छुपा रही। अयान, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। सलवा, 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 मतलब उसके अलावा हम किसी और टॉपिक पे बात कर ही नहीं सकते। कान थक चुके मेरे उसका नाम सुन सुन के। ये तुम
ये हकीकत क्यों नहीं मान लेते कि सलवा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तुम्हारा माजी था। माजी नहीं है वो मेरा, वो मेरी मोहब्बत है। और तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? तुम्हें क्या पता अमीर, इस मोहब्बत के हाथों क्या क्या कर चुकी हूँ मैं। तुम मुझे ताना दे रहे हो मोहब्बत का। मैंने मोहब्बत नहीं, इश्क किया है तुमसे। इश्क? ओके सॉरी सॉरी अमीर, सॉरी। अच्छा अच्छा सुन लो ना, सॉरी। मैं प्लीज, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, प्लीज मूड ठीक कर लो। सो सॉरी ना, प्लीज। चलो पक्का ना, मूड तो नहीं खराब। कोई जरूरी काम होगा जब ही बुलाया है उसे। आप छोटी छोटी बातों को दिल पर न लिया करें। अरे तो जरूरी काम था तो सुबह को भी बुला सकते थे, ये क्या कि आधी रात को बुला लिया। अम्मी सलवा अब शादीशुदा है, 10 मसाइल होते, होगा कोई मसला, जब ही चली गई दोबारा आ जाएगी। बल्कि आप एक काम करें, जाके मिलें उससे, आपकी तसल्ली हो जाएगी। अम्मी मेरी आज की फ्लाइट है, अनुषी नहीं जा रही, वो आपके साथ रहेगी। मैं आ जाऊं फिर हम चलेंगे सलवा के घर, और ज्यादा दिनों के लिए लेकर आएंगे, आप तो खुश हो जाएं। होगी पैकिंग? लगता है मूड ज्यादा ही खराब है। आपके घर वालों की ड्रामेबाजियां खत्म हो तो मेरा भी मूड अच्छा है। अच्छा नाराज तो ना हो, नेक्स्ट टाइम तुम चलना मेरे साथ, खूब घुमाऊंगा। इवन मैं सोच रहा हूं कि कहीं बाहर का ट्रिप करते हैं। आप तो मान जाओ। गुड, आप अच्छी लग रही है। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, थोड़ी देर मेरे पास रुको। अच्छा तो फिर हम कहां जाएंगे? सोचते हैं ना, अभी यही तो बात करनी है। करो ये ढोंग। एक मिनट में खाक में मिला दूंगी तुम्हारा गुरूर। ना उसे अपने दिल से निकालती हो और ना उसके दिल से निकलती हो। रोज मेरे भैया तुम्हें इतना जलील करते हैं, इतनी अजियत उठाते हो, लेकिन फिर भी इतना इत्मीनान, इतना सुकून क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? इधर देखो, मुझे देखो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, ज्यादा प्यारी हूँ, फिर भी क्यों नजर नहीं आती उसे? वो क्यों तुम्हारे लिए पागल है? क्यों सिर्फ तुम्हें सोचता है वो? सलवा ऐसा क्या किया तुमने उसके ऊपर? क्या जादू किया है उस पर? तुम्हारे लिए रोता देखती हूँ उसे, लेकिन मेरे आंसू तो उसे नजर ही नहीं आते। रोज उसके साथ मैं होती लेकिन बातें वो सिर्फ तुम्हारी करता है, ऐसा क्यों है? आजाद कर दो उसे अपनी मोहब्बत से। मैंने तो उसको कब कहा आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात है, मेरे दिल के किसी कोने में बसता है और वो बसता रहेगा। कुदरत ने उसे मेरे हाथों से तो छीन लिया, उसकी मोहब्बत तो नहीं मुझसे छीन सकती। तुम खामखा अपने आप को तकलीफ दे रही हो, तुम्हारा नहीं होगा। चुप, चुप। तुम्हारे यादों से भी उसे बाहर निकाल पाऊंगी मैं। भैया को बता दूंगी कि तुम उसे अभी भी चाहती। मैं तुम्हारे भाई के निकाह में, और इस निकाह को मैं अपनी पूरी रजामंदी से निभा रही हूं, और जब तक हूं इसी पर ध्यान देगा तो सोच भी नहीं सकती।
लेकिन हाँ यार, मैंने सिर्फ अलमीर से किया और उसी से करूंगी। तो ये बंदे आने थी तो है तुम्हारी अपने शौहर के साथ, तुमने किसी और को बसाया था और घर किसी और का बसा रही। आज मेरे शौहर उनके तमाम हुकूक को फराइज मुझ पे फर्ज है, इसमें कोई कोताही नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें अलमीर के दिल से निकाल कर ही रहूंगी, वहां सिर्फ मेरी चाहत होगी, मेरी मोहब्बत। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं सलवा, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। खामखा जिद कर रही हो यार, मैं नहीं जाऊंगा। जिद क्या, मैं तो बता चुकी हूँ, मैं टिकट्स ले चुकी हूँ, अब तो तुम्हें चलना पड़ेगा। अरे मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार, तुम मेरे साथ बोर हो जाओगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं कोई बोर वोर नहीं होंगी, पक्का प्रॉमिस। यार हम चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, और पता है उसके बाद मैंने डिनर भी रखा है, हम दोनों वो भी करेंगे, मैंने पूरा प्लान कर लिया। तो प्लान तो तुमने बना लिया, मुझे तो बस इन्फॉर्म कर रही हो। तुम कर लो अब सारा प्लान खराब मेरा। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी बोरिंग लाइफ से बाहर निकाल सकूं। तुम तो एक जगह अटक के रह गए। यार मैं तो कहती हूँ जो हो गया ना सो हो गया, छोड़ो यार उसको। We should enjoy life. Let's party, man. अरे आहिस्ता, से क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. कितने प्यारे लग रहे हो ऐसे हंसते हुए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसा देखकर। नहीं, मैं तुम जो बोलूंगी। ओके ओके ओके, क्या हो गया तुम्हें? देखते रहो अलमीर, मैं कैसे सलवा की मोहब्बत से तुम्हें आजाद कराती हूँ। अभी तो आगाज है, आज तुम्हारी हंसी वापस लाई हूँ, ये पहली फतह है मेरी। अब तुम सिर्फ हंसोगे, खुश रहोगे, मेरी मौजूदगी में उसे भूल जाओगे, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम सिर्फ मेरे होगे। कैसी लग रही हो? पूछोगी नहीं कहाँ जा रही हूँ? नहीं तैयार होकर चलो मैं खुद बता देती हूँ, मूवी देखने जा रही हूँ। तुम यहाँ डिनर करो, लेकिन मैं डिनर करूंगी अलमीर के साथ। अलमीर के साथ जा रही हूँ, क्या हो गया? संभाल लेना, मुझे देर हो जाएगी। इधर आओ बेटा। जी मामा। तुम इतना तैयार हो के इस वक्त कहाँ जा रही हो? मामा फ्रेंड्स के साथ अचानक से प्लान बन गया, डिनर है, हम सब साथ में ही होंगी, आप वेट ना करना, हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए। बेटा ऐसी कौन सी तुम्हारी दोस्तें बन गई हैं जो इस वक्त का प्रोग्राम बना रही है? मुझे बिल्कुल पसंद है, और देखना भी भैया सुनेगा ना, वो भी बहुत नाराज होगा। अरे किसने कह दिया कि मैं नाराज होऊंगा? बाहर जाना चाह रही है तो इसमें नाराजगी की क्या बात है, जाने देना। अब देखो मैं से मना कर रही हूँ ना तो ये लड़की मेरी बात सुनती भी नहीं, अब इस वक्त बाहर जा रही है दोस्तों के साथ। भैया डिनर है फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ डिनर है भाई? अच्छा मेरा बच्चा आप एक काम करो, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, लो आज मेरी गाड़ी में जाओ। अम्मा आप नहीं जानती आज कितने अरसे के बाद मुझे फिर से वही अपनी पुरानी आयान नजर आ रही। जाओ मेरे बच्चा जाओ, टाइम का थोड़ा ख्याल रखें। अच्छा चलो अब तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर आओ, सलवा खाना ला। हाँ भूख बहुत लग रही है।
इश्क था, इश्क था रूबरू, इश्क था बेवजह ही सही। चलो अच्छा हुआ अलमीर, तुमने हंसना तो शुरू किया। मैं जानती हूँ इस हंसी में कितने दुख छुपे हैं। हैरान को लग रहा है तुम खुश हो। इश्क था मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, मुझे भुला दो जल्दी, यही तुम्हारे और मेरे हक में बेहतर। मैं हर रोज अपने खुदा से दुआ मांगती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। मैं ये भी दुआएं मांगती हूँ अलमीर कि तुम्हारे दिल से भी मेरी मोहब्बत निकल जाए, तुम आजाद हो जाओ इस बोझ से, तुम आजाद हो जाओ, निकल जाओ मेरे दिल से। इश्क था, इश्क था, रूबरू, कब तक यहाँ खड़ी होकर अपनी दम तोड़ती मोहब्बत का मातम मनाती हो? क्या मकसद क्या है ये सब करने का? रात को इस वक्त बाहर खड़े होकर यूं आंसू बहाने का मकसद क्या है? दिखाना क्या चाह रही हो अपने घर वालों को तुम? अभी अंदर, अभी ऐसे लग रहा था जैसे मूवी तुम्हें गन पॉइंट पर जबरदस्ती दिखाई गई। बहुत बोर किया तुमने। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मूवी में, तुम बोर हो जाओगी। हाँ पर बंदा थोड़ा सा तो एंजॉय करता है। अलमीर बहुत भूख लगी है मुझे, मुझे डिनर करवाओ अच्छी सी जगह। चलो तुम भूख लगे हो? अब ये मत कहना तुम्हें भूख नहीं लगी। इंसानों खाना खाना चाहिए यार। हाँ खा लूंगा। ओके टेक मी टू योर फेवरेट प्लेस। लो बताओ क्या खाओगी? डिनर पे तुम लाए हो इसलिए ऑर्डर भी तुम खुद कर। ओके बस एक बात का ख्याल है, बहुत भूख लगी है। चिली गार्लिक प्रॉन्स कर दीजिए, मैक्सिकन चिकन बाइट्स कर दीजिए, ड्रिंक्स में टेल मी माय फेवरेट ड्रिंक। पीना कोलाडा। या वन पीना कोलाडा एंड वन लेमनेड। बहुत कुछ अयान,
एक बात का जवाब देती जाओ जरा। और इस बात का खास ध्यान रखना, शर्त यह है कि सच बोलना। पुलिस वाला हूं, झूठ बोलोगी तो फौरन पकड़ूंगा। तुम अभी भी अलमीर से प्यार करती हो, मुझसे शादी करने के बावजूद? बोलो, जवाब दो। तुम्हारी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? शर्त है सच बोलना, पर सच आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे दिल के भी ऐसे ही टुकड़े कर दिए तुमने वहाज, तुम्हें इनसे बहता लहू नजर नहीं आता। अगर मुझसे कोई पूछे कैसे मेरा सच सुनना चाहते थे तुम, तुमसे तो मेरी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। और कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हेलो यार, क्यों फोन किया? यार आई एम रियली सॉरी, सिर्फ कुछ जानबूझ के नहीं हुआ। आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा ना। इट्स ओके। पता नहीं मुझे क्या हो गया था यार, खुद पे काबू ही नहीं रख सका मैं। मुझे लगा वो सलवा है। कहा ना इट्स ओके। तुम्हें मैंने इसीलिए समझाया था कि अगर यूं मजनू बने फिरते रहोगे तो तमाशा तुम्हारा ही लगे। सब कुछ मैं जानबूझ के कहा करता हूँ, मेरे बस में ही नहीं है। काश तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई होती तो तुम्हें अंदाजा होता। अयान क्या हो गया यार, मैंने सॉरी बोला तो है, सब कुछ जानबूझ के नहीं किया मैंने। तुम समझते क्या हो अलमीर, मोहब्बत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मेरा वो मतलब नहीं था मैं। तो फिर तुम्हारा और क्या मतलब था? तुम जानते भी हो तुम्हारे अल्फाज मुझे कितनी तकलीफ दे रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत करना क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है? लिसन अलमीर, अगर हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात करेंगे ना तो मुझे लगता है जो हमारी दोस्ती बची भी ना वो भी खत्म हो जाएगी, और मैं अभी अपना दोस्त खोना नहीं चाहती। I'm feeling guilty now. बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तुम रात कब आई? मैंने तो इतनी देर तक तुम्हारा इंतजार किया।
जल्दी आ गई थी मैं तो। वैसे भी अब आप आदत डाल लें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आशा बेटा तुम भी साथ नाश्ता करो। और ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? कांच लग गया। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी। इबादत पड़ गई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ तकलीफ में हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मतलब तो यही था ना? अयान किस तरह बात कर रही हो? भाभी है तुम्हारी? यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भाभी है मेरी। आज तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए देर नहीं हो रही है? हो रही है ना, बल्कि सब इंतजार भी कर रहे होंगे मेरा। जल्दी से नाश्ता करो, मैं जब तक तुम्हारे कपड़े निकालूं। बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगी? किस्मत पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी बदल सकती। मैं तुम्हें दिखाऊंगी किस्मत कहते किसे। एक हल्की सी दरार तो डाल ही दी है मैंने। अयान मैं सॉरी कर तो चुका हूँ, अब तुम किस बात पे गुस्सा हो यार? अयान आई थिंक दिस इज टू मच नाउ। देखो अलमीर, हम पहले तय कर लेते हैं। तुम सलवा से बहुत प्यार करते हो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन यूँ दुनिया को चीख चीख कर बताना जरूरी है क्या? अलमीर पहले जो सब कुछ हो चुका है वो काफी नहीं है। शुक्र करो कि वो बुरा वक्त टल गया है। अब अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तुम तो साइको हो जाओगे। समझ ही नहीं आ रही तुम्हें, सलवा थी अब नहीं है, और ये हकीकत तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। कैसे कैसे मान लूं? मानना तो पड़ेगा क्योंकि हकीकत भी यही है। नहीं, मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। सच भी यही है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है अलमीर। क्या मतलब? घर कॉल की थी मैंने उसके, कि मॉम ने बताया कि सलवा की शादी हो चुकी है और वो बाहर सेटल हो चुकी है। देख लो तुम यहाँ उसके लिए मजनू बने बैठे हो, हर एक के चेहरे में उसका चेहरा तलाश कर रहे होते हो, लेकिन उसे देखो तुमसे जान छुड़ाकर कैसे किसी और के साथ जिंदगी इंजॉय करी अपनी। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, सलवा की यादों से खुद को बाहर निकालो, इर्द गिर्द देखो, तुम्हें जिंदगी मुस्कुराती नजर आएगी। अलमीर तुम क्यों उस बेवफा के लिए अपनी दुनिया दांव पर लगा रहे हो? तुमसे बहुत दूर है, बहुत दूर अलमीर, इतनी दूर के तुम चाहो भी तो अब उसे हासिल नहीं कर सकते। ये सूरज देख रहे हो अलमीर, कुछ ही घंटों में ढल जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी मोहब्बत की शाम हो गई। क्या
फिर तुम भूल जाओगे कि आज क्या हुआ, क्योंकि एक नया कल, एक नया दिन तुम्हारा मंतजर होगा। इस नए दिन में तुम तो नहीं होगी ना मेरे साथ। यही दुनिया का असूल है अलमीर, नए दिन को जन्म देने के लिए पुराने दिन को ढलना पड़ता, लेकिन तुम इस पुराने दिन को एक अच्छी याद समझ के पार कर सकते हो। मोहब्बतें लाहासिल ही रहे तो बेहतर, लेकिन इनकी कसर, इनकी तड़प हमेशा हमारे दिल में रहे। मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता। तुम्हें भूलना पड़ेगा ये। चल भाई, मेरे बस में नहीं। इश्क़ था।